नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी है क्या, क्या यूज में आती है और किस प्रकार से बनाई जाती है? इसका कौन सा ऐसा आसान से आसान मेथड है जिसके द्वारा हम त्रिकोणमितीय सारणी को आसानी से बना सकते हैं? दोस्तों, त्रिकोणमितीय सारणी क्या होती है? त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं छः, उनका विभिन्न कोणों पर, थीटा के विभिन्न मानों पर उनका मान जो है वो प्रदर्शित करती है त्रिकोणमितीय सारणी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बड़े ही आसान तरीके से त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सीखेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, फिर लिख दिया मैंने कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर मैंने लिख दिया सेक थीटा, एंड लास्ट एंड फाइनल कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा। ये 6 थीटा हो गए। अब हम कितने कितने डिग्री पे इनका मान ज्ञात करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इससे आगे भी होता है लेकिन इसकी हेल्प से हम सारा ज्ञात कर सकते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आगे भी होता है 180 डिग्री तक, लेकिन 190 डिग्री तक ही हमारे कंपिटेटिव एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको 90 डिग्री तक इनके मान को बताना, जो सारणी है इसको बनाना हम सीखेंगे। तो मैं थोड़ा टेबल बना देता हूं ताकि आपको विजुअल करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पे साइन थीटा, फिर लिखना है कॉस थीटा, फिर लिखना है टेन थीटा, और उसके बाद में साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा लिखना है हमको सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हमको लिखना है कॉट थीटा। ये हमको 6 के 6 थीटा ऐसे क्रम से अरेंज करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको और कंप्लीट कर देता हूँ। ये हमारी सारणी हो गई। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले आप एक काम करो, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखो, 0, 1, 2, 3, 4, और सब में दे दो 4 का भाग। ठीक है, सब में मैंने 4 का भाग दे दिया, और सबका ले लो आप वर्गमूल। तो इससे जो लाइन बनेगी वो इसमें आएगी। ठीक है, 0 में 4 का भाग, तो 0 आता है, और 0 को वर्गमूल क्या आता है? 0 आता है। यहाँ पे 0 लिख दो, यानी कि sin 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 0। 1 और 4, 1/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो sin 30 डिग्री का मान है 1/2। फिर आ जाओ यहाँ पे, इसको कैसे काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है और वर्गमूल 2, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है तो हम वर्गमूल 2 ही लिखेंगे। इसको देखो, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 4, तो वर्गमूल 3 जो है इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता, तो वर्गमूल 3 ही हम लिखेंगे। 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता क्योंकि ये वर्गमूल है ना, ये दोनों पर है, 3 पे भी है 4 पे भी है, और 4 का वर्गमूल कितना आता है? 2 आता है। फिर 4/4, 4 में 4 का भाग दिया, 1 बढ़ गया, और 1 का वर्गमूल 1 आता है। मेरी एडवाइस ये है आपको कि पहली लाइन को आप ऐसे याद रख लो, 0, 1/2, 1/2 वर्गमूल 2, √3/2 और 1। याद नहीं रहे तो मैंने आपको बताया कैसे। सबसे पहले तो आप 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 का भाग दे दो और सब पे क्या ले लो? वर्गमूल। 0/4, 0 में 4 का भाग दिया, 0 आता है, 0 वर्गमूल 0 आता है, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। 2/4 को हमने काट लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल कितना आता है? 1, और 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है तो वर्गमूल 2 लिख दिया। वर्गमूल 3, पूरा पूरा मान नहीं आता तो वर्गमूल 3 लिख दिया, 4 का वर्गमूल 2 आता है, 4 में 4 का भाग दिया, 1 बढ़ गया 1 आ गया। ठीक है, इतना आसान है। कॉस थीटा का मान कैसे लिखेंगे? इस लाइन को उल्टा लिख दो, 1 वर्गमूल 3/2, 1/2 वर्गमूल 2, 1/2 और 0। अब इसका मान लिखेंगे टेन थीटा का। तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
इससे हम टेन थीटा का मान जाते हैं। साइन थीटा में यदि कोस थीटा का भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाता है, टेन थीटा। तो इसमें इसका भाग दे दो, जीरो में एक का भाग देंगे तो हमेशा जीरो आता है, इसमें इसका भाग दोगे तो दो से दो कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बटे वर्गमूल तीन। इसमें इसका भाग दोगे तो एक बढ़ जाएगा क्योंकि सेम टू सेम संख्या है। इसमें इसका भाग देंगे तो दो से दो कटेगा, वर्गमूल तीन बटे एक मतलब तीन आता है। एक में जीरो का भाग देंगे, किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हैं तो संख्या आती है इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित भी लिखते हैं इसको, या तो ऐसे लिख दो या लिख दो अपरिभाषित, ठीक है, एक ही बात है, या तो ये लिख दो या ये लिख दो। अब इसके बाद में ये इन्फिनिटी अपरिभाषित है ना, ये क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको आई बटन पे लिंक डालूंगा, वहां पे देखना, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है परिभाषित और अनिर्धारित संख्याओं के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, मैंने बताया था आपको, कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा के मान को उल्टा कर दो आप, किसी भी संख्या का उल्टा करते हैं तो एक लगा दिया करो ऊपर, तो एक बटे जीरो, एक बटे जीरो, जीरो के ऊपर एक लगा दिया ना, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी ये जो लाइन है ना कोसेक थीटा की, इसको उल्टा करने पर आएगी, ठीक है। तो जीरो को उल्टा एक बटे जीरो, किसी भी संख्या का उल्टा निकालो तो उसके ऊपर क्या लगा दो, एक, तो एक में जीरो का भाग दो, किसी भी संख्या में जीरो का भाग दे तो क्या आता है, अभी बताया था मैंने आपको अपरिभाषित, ठीक है, इन्फिनिटी। अब इसका उल्टा करो, दो बटे एक मतलब दो, इसका उल्टा करो वर्गमूल दो बटे एक मतलब दो, वर्गमूल दो, दो बटे वर्गमूल तीन, एक का उल्टा एक बटे एक, एक ही आता है। sec थीटा किसका उल्टा होता है, cosec cos थीटा का, एक का उल्टा एक, एक का उल्टा मतलब एक बटे एक, एक ही आएगा। इसका उल्टा दो बटे वर्गमूल तीन, इसका उल्टा वर्गमूल दो बटे एक, दो बटे एक, एक को लगाओ चाहे मत लगाओ, जीरो का उल्टा फिर क्या आएगा, है परिभाषित। इसको देखो किसका उल्टा आएगा, टेन का, इसका उल्टा क्या होता है, परिभाषित, इसका उल्टा वर्गमूल तीन, इसका उल्टा एक ही होता है, इसका उल्टा एक लगा दूं ऊपर, एक बटे वर्गमूल तीन, और इसका उल्टा क्या होता है, देखो उल्टा निकालने के लिए एक लगाते हैं ऊपर, एक बटे अनंत, तो इसको मैं कह सकता हूं, देखो एक बटे जीरो भी बताया था। अब बटे में, जब बटे में बटे वाली संख्या होती है तो कैसे करते हैं, एक को तो ले तो सेम टू सेम इसको तो, और गुणा का चिन्ह लगा के नीचे संख्या को कर दो उल्टी कर दो, जीरो बटे एक, तो एक गुणा जीरो क्या आता है, जीरो, और नीचे क्या है, एक, तो जीरो में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो में किसी भी संख्या का भाग तो क्या आता है, जीरो आता है, तो अनंत जो है परिभाषित है इसका उल्टा क्या आता है, जीरो आता है। तो अब आपने सारे थीटाज का मान निकाल चुके हैं, आपसे कोई कहे कि बताओ कोसेक 45 का मान कितना होता है, तो कितना होता है, वर्गमूल दो होता है, कोस 45 का मान एक बटे वर्गमूल दो होता है, तो सारे आप थीटाज का मान यहाँ पे आप निकाल सकते हो इजीली, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप इसको आसानी से ड्रा कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय सारणी का उपयोग कहाँ आता है, जब हमको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी विशेष कोण पर उसका मान निकालना होता है, तब जाके इस त्रिकोणमितीय सारणी का यूज आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये त्रिकोणमितीय सारणी बनाने की ट्रिक, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।